सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब फ्रेंचाइज खुलती है ना, तो ऐसी ही गुफ्तगू सुनने को मिलती है। ओके, ठीक है, जीडीए को आप फ्रेंचाइज कह रहे हैं? नहीं मैं तो हाँ, जल बात कर अच्छा, रहा ओके, हूँ, उसमें जीडीए भी हो सकता है, हो उसमें सकती कोई भी हो है, सकता है। कोई ठीक है, नहीं, पहले तो मैं वो उन्होंने बड़ा मजे के लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया, फ्रेंचाइज, जी, तो मैं हंस फ्रेंचाइज। भी रही हूँ। और चले, हम तो लोकली फ्रेंचाइज है माशाल्लाह, ये पार्टीज तो इंटरनेशनली फ्रेंचाइज है, पता नहीं किस किस की फ्रेंचाइज, वो कहते हैं ना, पार्ट है इनके अंदर। फ्रेंचाइज जी भी नहीं, मतलब अगर जैसे फ्रेंचाइज अगर हम वो ले लें खाने पीने की, ले लें तो ये तो दोनों पार्टीज अल्हम्दुलिल्लाह फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज है और फ्रेंचाइज चीजें हैं वहां पर। जी एक जो मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और पूरे मुल्क के लिए है, अभी बिजनेस कम्युनिटी, कल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये लोग थे हमारे साथ प्रोग्राम्स में, और उनकी जो ट्रस्ट लेवल था ना, उन्होंने कहा जी हमारा ट्रस्ट लेवल, ये जो चीज उन्होंने चीफ को बताई है कि जी हमारा ट्रस्ट लेवल सियासतदानों पे नहीं है, आई एम सॉरी आप दोनों सियासतदान हैं, वो कहते हैं जी सियासतदानों पे हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, आप जो कर रहे हैं उनके साथ हम फिर खड़े हो जाएंगे और इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, सियासतदानों के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है। अब ये बिजनेस कम्युनिटी कह रही है, लेमैन का तो जो व्यू है वो तो इलेक्शंस में पता चलेगा, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है फ्रॉम द इकोनॉमी साइड, बिजनेस कम्युनिटी, वो ये कह रही है। हाँ जी, पहले तो मैं वो उन्होंने बड़ा मजे के लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया, फ्रेंचाइज, जी, तो मैं फ्रेंचाइज। हंस भी रही हूँ। और चले, हम तो लोकली फ्रेंचाइज है माशाल्लाह, ये पार्टीज तो इंटरनेशनली फ्रेंचाइज है, पता नहीं किस किस की फ्रेंचाइज, वो कहते हैं ना, पार्ट है इनके अंदर। फ्रेंचाइज जी भी नहीं, मतलब अगर जैसे फ्रेंचाइज अगर हम वो ले लें खाने पीने की, ले लें तो ये तो दोनों पार्टीज अल्हम्दुलिल्लाह फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज है और फ्रेंचाइज चीजें हैं वहां पर। तो जी मैंने कहा, मुझे फ्रेंचाइज बोला तो हम आपको फूड कोर्ट कहेंगे। तो फूड कोर्ट, ठीक हो गया। बाकी देखिए, जिस वक्त हमारी एक मुंतखब हुकूमत जो अभी 16 महीने इकतदार में थी, जिन्होंने कहा कि हमारे ये जो IMF के कर्जे थे, इसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से कर्जे मिले, दोस्तों वालिद ने दिए वरना हमें ना मिलते, वो क्रेडिट देखे गए हैं ना, वो जी ग्रीन इनिशिएटिव का क्रेडिट भी देकर गए हैं। फिर एक अभी जो आज मीटिंग हुई है, सॉरी मैं नाम स्किप हो जाते हैं, जो आज कॉन्फ्रेंस भी की है हमारे निगरा ने, तो ये क्या था, FCIY ऐसे करके है ना, जी फाइनेंशियल कुछ करके है, तो वो भी बनाकर गए ना, पिछले 16 महीने में बनी है बकायदा, मतलब किसका एक ऑफिस है। और इवन हम तो 12 करोड़ का क्रेडिट में भी हम अपनी पाक अफवाज को शामिल करते हैं कि ये इनकी कोशिशों काबिशों से हुआ। ठीक, तो जाहिर है ये बयानात सिर्फ आपके या मेरे कान में तो नहीं कहे गए ना, ये तो टीवी में कहे गए, तो जाहिर है जो लोग सुनेंगे या देखेंगे तो वो यही होगा कि, और होता यही है जो देश में वाली भी कर्जे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पार्टीज आती है, इनका आपस दस्तों गरेबा होते हैं, तो भरोसा नहीं होता, जो मैंने इन कमेटी की मीटिंग्स में और जो वहां पर उन 5 साल में वो देखा। बाकी बिजनेस कम्युनिटी ने कहा आप, मैं समझी शायद इंटरनेशनल, बाकी बिजनेस कम्युनिटी का मुझे नहीं पता, इसलिए कि ये बाजवा साहब से भी मिले थे, फैज साहब से भी मिले थे, और यही लोग मिलते हैं, हम जो जो अवाम है, कभी हम हमारे साथ भी कोई बैठ जाए, कोई हमारे दुखड़े भी सुन ले। क्योंकि मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि हमारी जितनी बिजनेस कम्युनिटी बैठी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टैक्स पेयर हैं, सब टैक्स देते हैं, क्योंकि ये तो सब हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है, ये तो मुल्क की वो जो कहते हैं ना, ऐसी की तैसी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में की है। आप उसमें स्टॉक एक्सचेंज ले लें, आप उसमें रियल स्टेट ले लें, कैसीनो इकॉनमी का ये मतलब था कि मैं घर बैठी हूँ, अगर मेरे पास 2 करोड़ पड़े हुए हैं तो मैं बजाय कि कुछ स्मॉल इंडस्ट्री या कोई बिजनेस सोचू, मैं कुछ छोड़ू, मैं 4 फाइल्स ले लूंगी, मैं बिल्कुल सही मैं ठीक कह रही है, फाइल्स ले सही। लूंगी कि चले ठीक है 6 माह बाद मुझे मिल जाएंगे। अब आप उसमें रियल स्टेट ले लें, रियल स्टेट में जो भी वहां पर होता है, जिसको भी देख लो, मैं तो ऐसे ऐसे लोग देखे रियल स्टेट में लगाया 5,000 का भी शेयर पकड़ के और उसका भी वेट कर रहे होते हैं। रियल स्टेट हो गया हमारा, ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल जो कल जितने भी सनअतकार ये सारे बैठे हुए थे, कोई 3 डब्बा गाड़ियों की कीमत कहां से कहां पहुंचा दी, भाई आप लोकली वो कर रहे हो, उसमें ऐसी कौन सी चीज आपने लगा दी जो आप 1 करोड़ तक ले गए और आप ऑल्टो आप 40 लाख रुपए तक लेके चले गए डॉलर, कोई ऐसा भी वहां पर जिस वक्त कीमतें बढ़ी थी ऐसी भी कोई तबाही नहीं मचाई बिल्कुल थी। ठीक कह रही। और जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, आप उसमें ये स्पोर्टेज ले लेंगे, कौन सी है किया जी, ले वो जो लोग ख्वार हुए थे उसको लेने के लिए कि जी उसमें चिप नहीं आ रही और ये एमजी नहीं आ रही वो नहीं आ एमजी रही, एमजी का आप जी था। एमजी जी जी
नहीं, ये किया ना, भी प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, आप एमजी ले ले, एमजी का मेरा क्वेश्चन ऑन द फ्लोर पूछा था और आखिरी दिन तक वो कमेटी में वो अफरीदी साहब हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने, मैं पूछती रह गई कि मुझे एक इंच दिखा दे कि जो आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, तो चल मुझे कोई प्लॉट ही दिखा दे, खाली कोई इंच ही दिखा दे। वो सारा पैसा वहां से जाके कुछ लाखों की गाड़ियां लेके यहाँ पर 70-70 लाख का चूना लगा गए। ये सारे सनतकार यही है ना हमारे करता धरता। ऑटोमोबाइल, रियल स्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, पेपर का वो हो गया। पेपर में भी जिस वक्त वो हुआ था, मैं जब गवर्नमेंट में थी, वो उसमें भी अच्छा खासा वो लेके चले गए। जिस वक्त आप रजाक दाऊद साहब और अब्दुल रजाक दाऊद साहब जैसे, मतलब आप बाहर से लोग आएंगे और आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो उनकी बजट का पेज नंबर 7 का ई का SRO है, उसमें एक पॉइंट इधर से उधर करने से सनतकारों को कितना फायदा हो गया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जिस वक्त जैसे ये यहाँ पर था, दुबई में एक है कि वहां से सब जापान से पुरानी गाड़ियां आती हैं और वो हमारे ही पाकिस्तान के मैकेनिक हैं जो उसको वापस से थोड़ी उसकी रिकंडीशनिंग करके वो बेचते हैं। वो यहाँ पर कराची में प्लांट लगना था लेकिन अलहमदुलिल्लाह कराची के सनतकार थे जिन्होंने नहीं लगने दिया। बिल्कुल ऐसे ही, आई एग्री ऑन दैट। और मोनोपोली को, सॉरी सायरा जी, मैं बस एक ब्रेक ले लूं जरा, बस एक मिनट जी। बाबर नदीम साहब थे, बाबर नदीम साहब कौन लेकर आए जो आके पेट्रोल की कीमतों को, यहाँ पर एक एक दिन पेट्रोल नहीं मिलता होता था, फिर के इलेक्ट्रिक के आप उनका ताबिश गौर साहब पिछली गवर्नमेंट में आ गए, लाते हम खुद हैं और उसके बाद हम इल्जाम ढूंढते हैं और दूसरों को कहते हो आप फ्रेंचाइज हो, आप फ्रेंचाइज हो। बिल्कुल, तो मसला ये है कि अब अगर किसी ने काम करने का बीड़ा उठाया तो ये काम होना चाहिए। होना चाहिए।